हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राहुल स्वामी। आज जो अपन डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व आउट करें अपन बाय यूजिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इससे पहले भी मैंने भी सॉल्व आउट किया है, वीडियो भी अपलोड किया हुआ, देख लें आप। तो क्या होता है, डी स्क्वायर प्लस नाइन वाई इज इक्वल टू कॉस 2t गिवन है ये अपने पास, ये इनिशियल कंडीशन आपको गिवन रहेगी, इसके बेसिस पे इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो सॉल्व आउट करने का प्रोसीजर मैं हल्का सा बता देता हूं आपको, कैसे सॉल्व आउट करते हैं। यानी किस टाइप की इक्वेशन आपको गिवन है, डी का मतलब डी अपॉन डी टी है, अगर ट्रिपल डैश हो, ट्रिपल डैश मतलब डी क्यू वाई और डी टी क्यू हो, देन उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एस क्यू लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई माइनस एस के लाप्लास सॉरी वाई नॉट माइनस का एस वाई डैश नॉट और माइनस एक स्टेप इसी आगे चला जाएगा वाई डबल डैश ना, इसको एस से मल्टीप्लाई करके, तो इसी टाइप से अपन सॉल्व करेंगे। तो ये तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज किया, फिर जो भी आपके वाई नॉट आ रहा है वाई डैश नॉट आ रहा है ये आपको गिवन होगा इनिशियल कंडीशन, ठीक है। तो इसके लिए आप पुट अप करेंगे और इसको इस स्टेप से लेंगे अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई इज इक्वल टू एफ एस, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई को लेफ्ट साइड में और बाकी जो वैल्यूज है वो राइट हैंड साइड में ले आएगी, फंक्शन ऑफ एस में जो वैल्यू आएगी। फिर लास्ट में क्या कहते हैं, टेकिंग द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी इसका इनवर्स ले लेंगे आप, इनवर्स लेंगे तो ये एल और एल इनवर्स वन हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू अपने पास फंक्शन ऑफ टी आ जाएगा, तो वी गेट द रिजल्ट। तो यहाँ से ये वाला अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट करें अपन, और क्लियर हो जाएगा ये मेथड कैसे सॉल्व आउट करते हैं इसको अपन। और ये न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट है, नाइन कॉन्स्टेंट है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई, यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस टू और ये टी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म डी स्क्वायर वाई क्या रहता है, कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी स्क्वायर वाई, या इसको तो कह सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डबल डैश, ये दोनों का मीन सेम है, क्योंकि यहाँ पर डी का जो मतलब है क्या है, डी बॉन्ड में डी टी है। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, अभी सॉल्व कर ही रहे थे, एस स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई माइनस एस वाई नो माइनस का वाई डैश नो, क्लियर है। तो ये इसकी वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू हम पुट अप करेंगे, एस स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई माइनस एस वाई नो माइनस वाई डैश नो, और ये जो वैल्यू जाएगी नाइन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई इजिकल टू ये क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कॉस 2t क्या होता है, एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस का ए का स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पर टू है तो ये फोर आ जाएगा, नो डाउट ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला स्टेप देखिए आप, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई यहाँ भी है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई कॉमन लिया, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा एस स्क्वायर प्लस का नाइन इक्वल टू ये लिया। अब देखिए आप वाई नोट, ये वाई नोट वैल्यू क्या है, वन गिवन है, और ये भी कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, अपन मान लेते हैं लेट इसको, ये y डैश नॉट ये आपको गिवन नहीं है, आपको इसको एज इट इज रखेंगे अपन, इसके लिए आपके पास ये वाली कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन का यूज करेंगे देन ये फाइंड आउट करेंगे जिसके रिजल्ट के अंदर। तो ध्यान रखना ये वाला टिक किया, ये वाला टिक, इसको अपन सॉल्व आउट करेंगे इस वाली से, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। तो माइनस का s y नॉट के वैल्यू क्या है, 1 है, वैसे 1 हुआ, इसको आप ऐसे रखें, आप इसको आप ये ले लें y डैश नॉट एस साइड में आ जाएगा, तो एस आ गया प्लस का वाई डैश नॉट, इसकी भी फाइंड आउट करेंगे लास्ट में, प्लस एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस का फोर आ गया, तो इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए।
अपने को लेफ्ट साइड में लिखने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई रखना है, क्या वैल्यू आएगी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई इज इक्वल टू एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का वाई डैश नोट अपॉन में एस स्क्वायर प्लस का 9 ठीक है प्लस एस अपॉन में यहाँ पर तो वैल्यू आ रही है अपने पास एस स्क्वायर प्लस का 4 और यहाँ से एस स्क्वायर प्लस का 9 क्लियर है तो ये अपने पास वैल्यू आ गई। लास्ट में क्या करते हैं टेकिंग द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीजिए इसका, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या रहेगा इसका, लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई है तो एल पी आंसर देगा वाई आ जाएगा, इसका लाप्लास इनवर्स ये हो जाएगा एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस का 9 प्लस वाई डैश नोट कॉन्स्टेंट है यहाँ से लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस का 9 प्लस लाप्लास इनवर्स इसकी जो वैल्यू जाएगी एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस का 4 और यहाँ से एस स्क्वायर प्लस का 9 ठीक है तो ये वाली वैल्यू जाएगी इनवर्स ले लिया अपने। अब देखो यहाँ से ये किसका होता है cos का, वेल नोन है cos 3t है प्लस y डैश नोट कांस्टेंट है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है क्योंकि यहां पर a अपॉन s स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर है a स्क्वायर क्योंकि 3 का स्क्वायर है तो यहां पर आप ये कर सकते हैं इसके अंदर चेंजिंग करके कहोगे कि 3 का तो आप क्या कर दें इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें और 3 का ये इसके अंदर ये डिवाइड कर देंगे क्लियर तो क्या आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा और ये जो वैल्यूज बन जाएंगे अपने पास इसका फार्मूला बनेगा sin 3t तो ये आपको समझना चाहिए क्या करेगा इसके लिए ये ग्रीक प्लॉट क्रिएट करता है आपको लाप्लास इनवर्स। अब इसके लिए अपने पास पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं इसको अपन या फिर कन्वोल्यूशन थ्योरम है उसके थ्रू भी कर सकते हैं अपन और एक मैं थोड़ा डायरेक्टली बता रहा हूं आपको कैसे सॉल्व करते हैं इसको अपन। देखो ये जो वैल्यूज है ये डिनोमिनेटर वाला इसका यहां से अलग से करता हूं इसको थोड़ा से कंसेप्ट को देखेंगे इसको आप यदि इस वाले कंसेप्ट की बात करूं यदि 1 अपॉन में एक बार के लिए s को हटा देता हूं तो s स्क्वायर प्लस का 4 है s स्क्वायर प्लस का 9 रहेगा ये वाली वैल्यू है। जब देखो दोनों ही s स्क्वायर है जो वेरिएबल है दोनों सेम है दोनों ही सिंबल भी दोनों के सेम है तो क्या करते हैं 2 ही फैक्टर हो और वेरिएबल जो है दोनों में सेम सिंबल का हो तो क्या करते हैं बीच में माइनस यूज कर लेते हैं यानी इसी टाइप से वैल्यू आ जाती है एस स्क्वायर प्लस का 4 माइनस यूज कर लिया मैंने एस स्क्वायर प्लस का 9 ये इसी कर देंगे आप। अब क्या करेंगे इसका एलसीएम तो ये आएगा सेम इस साइड में वैल्यू क्या आएगी इस साइड में आपके पास वैल्यू आएगी एस स्क्वायर प्लस का 9 माइनस करके यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी एस स्क्वायर प्लस का 4 यानी अपॉन में तो ये दोनों आएगी फैक्टर एलसीएम ले लिया मैंने एस कर से एस कर कैंसिल आउट होता है माइनस यूज कर लिया मैंने दोनों सिंबल सेम थे। अब 9 माइनस 4 क्या आएगा 5 आएगा ना तो क्या करोगे आप इसका 5 का यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो आप इस स्टेप से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप इसको कन्वर्जेंस प्रॉपर्टी है उससे भी सॉल्व कर लें या फिर इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लें तब भी सॉल्व हो जाएगा ये क्लियर। और आप पार्शियल फ्रैक्शन दिमाग में है तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन भी बता देता हूँ एस तो बाद में मल्टीप्लाई कर देगा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका। कैसे करेंगे इसको आप ए अपॉन में पार्शियल फ्रैक्शन की बात करूं तो कैसे करेंगे आप ए अपॉन में एस स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का बी अपॉन में एस स्क्वायर प्लस का 9। अब कई बार कंफ्यूजन होता है सर s स्क्वायर है तो आप क्या करोगे आप s स्क्वायर को आप कोई भी x ले ले इस टाइप से x मान लेना तो क्या हो जाएगा ये तो ये मेरे पास जो वैल्यू जाएगी ये आ जाएगा 1 अपॉन में s सॉरी x ये x प्लस का 4 और ये x प्लस का 9 आ जाएगा ये a अपॉन में x प्लस का 4 प्लस का b अपॉन में x प्लस का 9 इस टाइप से अभी आ जाएगी। फिर आप जो सॉल्यूशन आएगा पर फिर x लिए क्या करते हैं आप s का स्क्वायर ले लेंगे तो अपने पास वो रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां मैं डायरेक्ट कर रहा हूं आपको अभी एक्सप्लेन किया तो आप पार्शियल फ्रैक्शन से करना इसको फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे आप सर कि हमने ये किया वो ये वाला रिजल्ट सेम आता है या डिफरेंट है क्या यूज है तो क्या रहेगा यहां पर देखिए आप यहां से मैंने इसको लिखा है 1 अपॉन में s स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 1 अपॉन में s स्क्वायर प्लस का 9 जब आपको सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पर अपने पास 5 आएगा तो 5 का तो यहाँ पर आप कर दें डिवाइड ऐसे क्लियर है s था तो आपका s का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे s और ये भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे s से ठीक है तो ये वाला रिजल्ट आ गया यानी आपके पास वहां पर
a की वैल्यू क्या आएगी 1/5 और b की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 1/5 आएगी, जो ये पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे देन तब। अब इसको इनवर्स ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी y जो है ये y किसका फंक्शन है t का, क्लियर है, y का फंक्शन ऑफ t, तो ये y कह दो या इसको y t भी कह सकते हैं ना, क्योंकि इसका यूज करेंगे अपन y t cos 3t प्लस का 1/3 y dot t sin 3t प्लस का 1/5 और ये तो वैल्यू जाएगी cos 2t का फॉर्मूला है ये, माइनस ये cos 3t का फॉर्मूला है अपने पास। इसको मैं कोई किस नंबर ला रहा था ना, सपोज कर मैंने 1 ले लिया, ये 1 मेरे पास सॉल्यूशन है, ये आंसर आ गया इसका, लेकिन ये तो मेरे पास अननोन है y डैश नोट, इसकी वैल्यू निकाल दी हमने, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसकी हेल्प से इस वाली कंडीशन का यूज करकर इस वाली कंडीशन का यूज करूंगा मैं और इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू वापस इस वन में पुट करेंगे तो वी गेट द रिजल्ट, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या है, ये t की जगह क्या लेना पाई बाय 2, तो क्या है इसके अंदर टेकिंग जो आपको कंडीशन दी है t की जगह आप t क्या पाई बाय 2, तो t इक्वल टू पाई बाय 2 देन y इक्वल टू मेरे पास क्या वैल्यू है माइनस का 1, ठीक है, y या y t, ठीक है, t इक्वल टू पाई बाय 2 तो y इक्वल टू माइनस का 1। अब चाहिए तो इसको ये y t को y या y t दोनों का मतलब चेंज डायरेक्ट अगर फील दियो ना, इसलिए मैंने इसको यहां से डाल दिया t इक्वल पाई बाय 2 तो y इक्वल टू माइनस 1, इसमें रखेंगे आप इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, फिर ये वाला इंटरव्यू किया क्या समझ आएगा, तो ये हटा देता हूं यहां से थोड़ा सा, इसलिए ये वाला वीक इंपॉर्टेंट हो जाता है सिर्फ इसी एग्जाम के लिए। तो वैल्यू पुट करेंगे आप तो क्या आएगा, देखो t को तो मैं यहां लिखता हूं वैल्यूज इसके लेफ्ट हैंड साइड में, t की जगह पाई बाय 2 cos 3 पाई बाय 2 cos 3 पाई बाय 2 को लिख रही है प्लस का 1/3 y डैश नॉट, फिर sin 3t यानी sin 3 पाई बाय 2 यहां से प्लस का 1/5 ये वैल्यू इज cos 2t यानी cos 2 ये वैल्यू इज क्या पाई बाय 2 t की जगह पाई बाय 2 माइनस का cos 3 ये t का मतलब पाई बाय 2, तो ये वाला रिजल्ट आ गया प्रश्न t की वैल्यू, जब t की वैल्यू क्या रखते हैं पाई बाय 2 तो फिर y की वैल्यू क्या है, इस y की वैल्यू क्या है माइनस का 1। ये अब यहां से आपको एक फार्मूला बताते हैं आपको, 2 से 2 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, cos पाई की वैल्यू क्या होती है माइनस 1, जानते हैं cos n पाई इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस 1 की पावर n, n की जो भी रखेंगे आप n की जगह 1 रखेंगे उसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस का 1, ये तो कंप्लीट हुआ था। फिर क्या था साइन, तो ये फार्मूला भी बता देता हूं आपको ना, क्या होता है cos 2n प्लस का 1 पाई बाय 2 इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है 0 होती है, n की वैल्यू कुछ भी रखेंगे यदि n की जगह 1 रखा तो क्या था 3 पाई बाय 2 यानी cos 3 पाई 2 पाई बाय 2 वैल्यू क्या होगी 0 ना, यहां पर n की जगह 1 रखेंगे अपन तो सिंपल डायरेक्ट होगा cos 3 पाई बाय 2 होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 0, इसका जानते हैं तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली सिमिलरली मैं ये बात करूं यहां पर इस sin 2n प्लस का 1 पाई बाय 2 इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस 1 की पावर n, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस 1 की पावर n, देखो जैसे ये मेरे पास है ना sin का ये वाली वैल्यू तो क्या होगी इसके अंदर आप n इक्वल टू यहां पर भी पुट करेंगे 1 तो क्या आ जाएगा sin 3 पाई बाय 2 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1, तो यहां पर क्या वैल्यू रखेंगे आप ये यहां पर क्या आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है, ये cos 3 पाई बाय 2 ये 0 हो जाएगा, तो इसको आप सॉल्व आउट करें फास्ट करें, देखो क्या रिजल्ट आ रहा है इसके अंदर, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे पर तो यहां पर रिजल्ट क्या रहेगा माइनस का 1 इज इक्वल टू जो 0 हो जाएगा प्लस का 1/3 y डैश नोट sin 3 / 2 की वैल्यू फिर -1 होती है प्लस का 1/5 ये cos / की वैल्यू क्या है -1 और इसकी वैल्यू क्या है 0, क्लियर हुआ, तो इस चैप्टर से सॉल्व कर लेंगे आप डाउट कोई नहीं इसमें, ये अपने को तो ये वाली वैल्यू चाहिए तो इस वाली वैल्यू के लिए आएगा अपने पास यानी y डैश नोट बाय 3 है ना, माइनस का इधर साइड में प्लस का हो जाएगा इधर आके ये साइड में हो गया 1 प्लस का और ये क्या है मेरे पास माइनस का 1/5 तो वैल्यू जा रही 4/5 या y डैश नोट जी 3 का मल्टीप्लाई करके 12/5 आ गया, समझ आया आपके, तो ये 12/5 y डैश को निकाल के क्या इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, तो दीज वैल्यू रिप्लेस इन 1 लिखेंगे आप दीज वैल्यूज रिप्लेस इन 1
वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर है? तो आप इसको दोबारा से लिखेंगे, ठीक है, ताकि हाँ चेंज कर देता हूं। आप इसको क्या लिखेंगे, यानी अपने पास ये वाला रिजल्ट आ गया, सिर्फ इसकी वैल्यू क्या पुट करनी है आपको, क्या पुट करनी है, 12/5, यानी ये 12/5 है आपके पास, 3/4 जा ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये अपने पास रिजल्ट आ गया। यानी लिख देता हूं रिजल्ट के लिए, यानी y = cos 3t 3/4 जा प्लस का 4/5 sin 3t प्लस का 1/5 cos 2t माइनस का cos 3t, ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट मेकर था, ध्यान रखना इसका, y डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, y डैश नोट की, तो ये वैल्यू जाके अपने पास कैसे पुट अप करने है वो देखना।